एक बड़ी खबर उत्तराखंड रोडवेज से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दरअसल कोटद्वार डिपो की उत्तराखंड रोडवेज परिवहन की बस का मेरठ बिजनौर मार्ग पर एक्सीडेंट हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बस नोएडा से कोटद्वार के लिए जा रही थी। जैसे ही रोडवेज की ये बस मवाना इलाके के गणेशपुर गांव के नजदीक पहुंची, तुरंत बस ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस सामने जाकर एक पेड़ से टकरा गई। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ये एक्सीडेंट कितना खतरनाक है। गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया है। जानकारी सामने आई कि रोडवेज बस के इस चालक को नींद की झपकी आ गई थी और इस वजह से उसने बस से नियंत्रण खो दिया। जैसे ही बस सामने जाकर पेड़ से टकरा, यात्रियों में चीख पुकार मच गई। लगभग 25 सवारियां लेकर ये बस जा रही थी, जिसमें से 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। सारी जिंदगियां सकुशल बच गईं। मेरी रिपोर्ट, रायशुमारी।